सत श्रीकाल जी, मैं स्वागत करता हूँ सारे एक बार फिर साढ़े इस यूट्यूब चैनल से। पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल के जरा मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर जरा वो रिलीज कर दिता गया है, ऑफिशियल वैबसाइट तो डाउनलोड किया है। तुम भी इन्होंने ऑफिशियल वैबसाइट जाके चेक कर सकते हो। ये जरा है मैं थोड़ा सारे क्वेश्चन जोड़े है विद सोल्यूशन प्रोवाइड करवावगा। ये अपन एक बार देख लेना बहुत जरूरी है, जो भी बंदे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जो पहला भी एग्जाम दे चुके हैं, इस तो अपन ये पता लग जाता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल की रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस अपन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब आप गल करिए जीके की, तो जीके के तो बहुत वास्ट टॉपिक हजारों टॉपिक आ जाता है, बट अपन सैंपल पेपर तो पता चल जाएगा कि किस टॉपिक तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि जो एस आई का भी इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन जो पुट किए हुए थे, तो जोड़े विचों तो कुछ कुछ क्वेश्चन सेम ही आए हुए थे या उसके आस पास घूमते हुए क्वेश्चन मिल गए थे। तो तुम भी इस वीडियो में एंड तक जरूर देखियो। तो आप इस वीडियो में शुरू करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन हैगा जी, किसी टाइप का कॉपीराइट धारक द्वारा किसी होर मूल काम की वरतों करन देने की इजाजत में की कहते हैं। दोनों तो साइड क्वेश्चन दसे हुए हैं, इंग्लिश के विच भी ते पंजाबी दे विच भी। मैं सारे क्वेश्चन पंजाबी दे विच पढ़ रहे हैं, या विच विच इंग्लिश विच भी पढ़ लेंगे, तो आप बाईलिंगुअल जै रखा ताकि उन्होंने भी दिक्कत ना आए, इंग्लिश वाले भी तो पंजाबी वाले भी। तो तुसी क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कॉपीराइट जिहड़ा हुंदा है ओनर वो अपने काम नूं वरतण लई की चीज़ दिंदा है। तो इहदा आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2, लाइसेंस। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी, रावी बैस अते सतलुज दरियावां दे हड़ दे मैदान वजों मैदानां नूं डैश वजों जाणिया जांदा है। फूड फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर नूं आपां किहड़े नां नाल जाणदे हां? इह हैगा जी ऑप्शन नंबर 1, प्लेन्स ऑफ बेट, बेट दे मैदान। तीजा हैगा जी पिक द ऑड वन आउट, वक्रा चुनो। सब तो पहला हैगा हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव ते रैंडम एक्सेस मैमरी। जिदा कि तुसी देख सकते हो कि रैंडम एक्सेस मैमरी इहदा आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जिहड़े हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ते फ्लैश ड्राइव ने, ये सारे जिहड़े ने सेकेंडरी स्टोरेज ने, रैंडम एक्सेस मैमरी जिहड़ी प्राइमरी स्टोरेज है। उस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल रिवर ऑफ पंजाब, पंजाब की बारहमासी दरिया कि है? तो यह आंसर हैगा जी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए, ब्यास। उस तो बाद पंजवा क्वेश्चन हैगा जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मोबाइल फोन, मोबाइल फोन दे की वरत्या जाता है? कंपैक्ट डिस्क, ये तुम्हें पता नहीं वरते हैं, ब्लूरे डिस्क भी नहीं, डीवीडी भी नहीं। तो यह आंसर है 3, मेमोरी कार्ड। विच कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ऑल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ट्रेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु रिसीव वेज और सैलरी। तनख्वाह प्राप्त करने वाले संगठन कर्मचारियों ट्रैक रखने लिए कौन अनुकूलित सॉफ्टवेयर वरता जाता है जी? इहदा आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2, पेरोल सिस्टम। उस तो बाद डैश संजीव जीव जंतुओं के खेत्र के वातावरण उन्होंने अंतर क्रियावों को दर्शाता है। इहदा आंसर है जी बी, बायोस्फीयर। उस तो बाद करतार सिंह सराभा इन्हां नाल किस नाल संबंधित सीगे? ऑप्शन नंबर ए, कदर मूवमेंट नाल। गुरद्वारा डेरा बाबा नानक साहब कित्थे है जी? सारे नूं पता होना जी, गुरदासपुर विच हैगा। उस तो बाद पेंसिल दी लीड बनाउण लई या फिर इसकी किसकी वरतों पेंसिल का सिक्का बनाने लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। हाई कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट जिहड़ा पंजाब दे विच कीड़ा है, सब तो वध समर्था वाला वो हैगा जी तलवंडी साबो का पावर प्रोजेक्ट। उस तो बाद रिवर दैट फ्लोज थ्रू पंजाब एंड इज ऑलसो कॉल्ड सतादरी, सतादरी जिहड़ा हैगा वो आप किसनों कहने हैं? सतलुज दरिया ही कहने हैं। ऑप्शन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर, वट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ पंजाब, पंजाब का बाल लिंग अनुपात कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हैगा जी ए, 846। सेंसस 2011 जी जनगणना है 2011 पंजाब की, जरूर पढ़ के जाए क्योंकि जेल वाटर के भी तो क्वेश्चन आए थे, तो एस आई के भी क्वेश्चन आए हुए थे, पटवारी के भी आए थे, तो इन्होंने बाकी आने वाले एग्जाम जरूर आएंगे। उस तो बाद रेजिडरी पावर लाइज ऑन द हैंड्स ऑफ, भारत में अवशेषी शक्ति डैश के हाथ में है। तो यहाँ इतने ऑप्शन सही नहीं दिते हुए, जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल है जो पार्ट 11 के इंक्लूडेड है 248 आई थिंक, वो अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के को राइट है कि वो अवशेष शक्ति जी है रेजिटरी पावर वो हाथ से रहेगी। ये रेजिटरी पावर होंगी है करंट लिस्ट, जेडे यूनियन लिस्ट के कनकरेंट लिस्ट तो इलावा जी है स्टेट यूनियन के कनकरेंट लिस्ट तो इलावा जी है वो बचती है, वो पार्लियामेंट के हाथ से जाती है। इतने ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति हो सकता है, बट यदा टैक्निकली राइट आंसर जो है पार्लियामेंट। उस तो बाद भारत के संविधान के नाल किस अनुच्छेद तहत बंदोबस्त किया है कि संविधानिक मशीनरी की असफलता होने किसी राज्य राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? प्रेजिडेंट्स रूल,
ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसका आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 15 था, ऑप्शन नंबर 2, 1956। उस तो बाद हैगा जी एवरी ईयर पंजाब सेलिब्रेट स्टेटहुड डे। पंजाब स्टेटहुड डे कदों अपना मनाता है? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16 है जी 1 नवंबर। उस तो बाद क्वांट के क्वेश्चन है जी 456 पन्ने वाली किसी किताब के पन्ने का अंकन करने लिए कुल किन्ने अंकों की वरतों की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए 1260। तो मैथ के जो क्वेश्चन ने मैं डायरेक्ट आंसर दस रहा तुम्हें, जो तुम्हें इनका सोल्यूशन चाहिए है तो टैलीग्राम से या वट्सएप ग्रुप के मैसेज कर दो, तुम्हें मैं अपने कॉपी से सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चन खुद, तो मैं उदा के पेजिस जो क्वेश्चन वाइज अपलोड कर दूंगा तो तुम देख सकते हो। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 18 का है जी ये ऐड करना एडिशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3, 689.170886। उस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन इज इन एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर का तुम्हें मतलब पता ही होना है कि छोटे तो व्डा, जिमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इदा। तो ये आप फ्रैक्शन जी है वह असेंडिंग अरेज करनी है। यदा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। तो बाद बोडमस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है जी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया है, 21 का क्वेश्चन आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए 12%। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है जी रेशियो एंड प्रपोर्शन तो आया हुआ जी, यहाँ ऑप्शन है जी 3 आंसर है। उस तो बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया जी, तो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर 2। तो बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है जी, ये भी सिंपल इंटरेस्ट आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर है जी 3। क्वेश्चन नंबर 25 में टाइम एंड वर्क तो आया है जी, ये आंसर है जी 3। उस तो बाद क्वेश्चन 26 में 27 में जो TI तो क्वेश्चन आए हुए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन है, मैं क्वेश्चन थोड़े लिए छड़ रहा हूँ, तुम्हें कमेंट में इन्हों का जवाब देने की कोशिश करो। उस तो बाद आप गल करते हैं 28 तो शुरू कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की। 28 का ऑप्शन है जी यह स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन तो क्वेश्चन आया है जी, 28 का आंसर है जी 1 ऑप्शन नंबर ए। 29 का है जी लैटर सीरीज है ये नैक्सट टर्म जी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन है जी 3। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 30 है जी, 30 का आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3। उस तो बाद 31 है जी यह ब्लड रिलेशन तो क्वेश्चन आया है, 31 का है जी ऑप्शन नंबर ए। ब्लड रिलेशन जरूर ध्यान पढ़ के जायो, पॉइंटिंग फिगर वाला ये तो क्वेश्चन SI के पेपर में आया से, जेल वर्डर के पेपर से भी आया से। क्वेश्चन नंबर 32 का है जी डाइस एंड क्यूब तो क्वेश्चन है, 32 का है जी ऑप्शन नंबर 2। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 33 में है जी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन तो ये आंसर है जी 1। क्वेश्चन नंबर 34 में है जी अपने लैफ्ट एंड राइट वाले क्वेश्चन जोड़े होंगे है अरेंजमेंट करने वह ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही है। उस तो बाद 35 है जी एनालॉजी या फिर कह सकते हो फिगर अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 35 आंसर है जी 2। तो बाद क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है जी यदि लैटर कलस्टर दसिया है तो अगला दसना है भी किस तरह का बनेगा, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन है जी 2। क्वेश्चन नंबर 37 है जी ऑप्शन नंबर 4, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है कि इतने केड़ी आएगी। उस तो बाद 38 है जी यदा है वेन डायग्राम तो आया है, यह है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 में है जी ऑप्शन नंबर 4। मैथ के रीजनिंग थोनों जो कोई डाउट लगे क्वेश्चन लगे भी कि गलत है तो आंसर प्लीज़ कमेंट करके जरूर दसो, तो जे थोनों यदा सोल्यूशन चाहिए कि सॉल्व किए हुए तो रिप्लाई करो कमेंट के या फिर टैलीग्राम वट्सएप के आप PDF जो पहला भी दसिया से प्रोवाइड करवा देंगे, तो सोल्यूशन देख सकते हो कि सॉल्व करने हैं। उस तो बाद हैगा जी इंग्लिश ते पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स, क्वेश्चन नंबर 40 में आंसर हैगा जी ऑप्शन नंबर 3, ग्रामेटिकल एरर है ये फाइंड आउट करना है। उस तो बाद 41 में है जी सिनोनियम, यद ऑप्शन है जी 3 स्पोर्ट। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 42 में है जी मैं सवाल हल कर सकता हाँ तो अंग्रेजी अनुवाद करो, क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर है जी 2, आई कैन सॉल्व दिस सम। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर जोड़ा है अगे वो पैसेज दसा है इन्होंने, पैसेज के आंसर फाइंड आउट करने हैं, तो आप पैसेज पढ़ के ध्यान आंसर फाइंड आउट करने हैं। ये आप देख लें आंसर, क्वेश्चन नंबर 43 में आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 44 में आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 45 में आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 46 में आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 47 मेरा आंसर है जी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 तो फिर पंजाबी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। शुद्ध शब्द सुनो, जिंदगी का शुद्ध शब्द है जी 48 मेरा तीन, जो पैर बिंदी पी है। स्वाद 49वें पंजे उंगलियां डैश नहीं होंदिया, तो बराबर नहीं होंदिया। 49वें का 2। पंजाबी का है जी, रवि एंड शशि आर हिज पेरेंटल अंकल्स। पंजाबी का है जी, एक रवि और शशि उसके चाचे हैं। उस तो बाद फिर पंजाबी दे विच भी एक पैराग्राफ दिता है, ये अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड आउट करने हैं। 51वें का आंसर हैगा जी, उपरोक्त पैरे का ढुकवा सिरलेख लिखो। तो यह तो हैगा जी 51वें का अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, लोक कलावां का वध रहा महत्व। उस तो बाद अंतरराष्ट्रीय नाच उत्सवों में पंजाब के कड़े नाच पेश किए जाते हैं, भी ये अकॉर्डिंग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भंगड़ा तो किया। लोक संस्कृति कला लिए भारत में की उपराले किए गए हैं, 53वें का पहला जनतंत्र दिवस से पेश लोक नाच और कलाकार मंडलियां मतलब नृत्य पेशकारियां। उस तो बाद 54वें क्वेश्चन हैगा जी, लोक कला की पेशकारी तो कोई खतरा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, लोक कला लिए निगर प्रेम रखना। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 55वां हैगा, लोक कला संस्कृति के परिवार विचले के साधन होंद को पेश करदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 55वें आंसर हैगा जी, ऑप्शन नंबर 3, जीवन की जागृति कृति। उस तो बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते, एम एस एक्सल 2019 कि शॉर्टकट की विशेष शैली में जाने वरत्या जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55वां आंसर हैगा जी 1। क्वेश्चन नंबर 57 हैगा जी, एम एस पावर पॉइंट 2019 विच पावर पॉइंट की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। तो यह आंसर हैगा जी 57वें का तीजा, F5। ਸਵਾਲ 58ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਜ ਸਟੋਰਡ ਇਜ ਕਾਲਡ। 58ਵਾਂ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 2, ਮੈਮਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਦੱਸਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਉਣੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ 13 ਕਿ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਮੈਥ ਸਾਰੇ ਪਾਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 25 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ।